चलिए बात भोपाल की कर लेते हैं, जहां मणिपुर हिंसा के बीच फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों को अब निकालने की कोशिश की जा रही है। जी हां, मध्य प्रदेश के छात्रों को मणिपुर से निकालने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मणिपुर के राज्यपाल से चर्चा भी की है। एयरलिफ्ट कर छात्रों को वापस सरकार लाने जा रही है। मणिपुर में फंसे हैं मध्य प्रदेश के करीब 30 छात्र। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी छात्रों से बातचीत की है और जल्दी सुरक्षित वापस लाने का उन्हें भरोसा दिलाया गया है। तो मणिपुर में फंसे हैं मध्य प्रदेश के करीब 30 छात्र। बता दें, तनाव की स्थितियां लगातार मणिपुर में बनी थी, हिंसात्मक तस्वीरें भी सामने आई थी और ऐसे में अब जल्द ही सुरक्षित वापस लाने का भरोसा दिया गया है। परिजन जो है वो अलकान है, परेशान है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो वहां पर फंसे हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मणिपुर के राज्यपाल से बात भी की है और एयरलिफ्ट कर सभी बच्चों को वापस लाने की यहां पर बात कही जा रही है। 30 से ज्यादा लोग वहां पर फंसे हुए हैं। एयरलिफ्ट कर छात्रों को वापस अब मध्य प्रदेश की सरकार लाएगी। मणिपुर हिंसा के बीच फंसे हैं 30 छात्र और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने राज्यपाल से बात की है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी छात्रों से बात की है। 30 छात्रों को जल्द से जल्द अपने राज्य में वापस लाने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। बिल्कुल, तो अब कवायद जो है वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया, राज्यपाल से चर्चा भी हो चुकी है और अब देखना होगा ये जो छात्र हैं, 30 छात्र जो फंसे हुए हैं वहां पर, वो कब जो है वो मध्य प्रदेश लाए जाते हैं, क्योंकि परिजन जो है वो लगातार गुहार लगा रहे हैं, परेशान हैं, और क्योंकि उनके बच्चे जो है वो वहां पर फंसे हैं। मणिपुर में जिस तरह से हादसा हुआ, तस्वीरें भी नया सामने आई थी, हिंसात्मक तस्वीरें भी हमने देखी थी कि किस तरह से यहाँ पर लगातार स्थितियां जो है वो अप्रिय घटना की बन रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सनी मालवी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गया है। सनी, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरह से परिजन लगातार गुहार लगा रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वहां फंसे हुए हैं, तो उनके लिए किस तरह की कवायद शुरू करने जा रही है सरकार? मध्य प्रदेश सरकार मणिपुर हिंसा में जो 32 से ज्यादा जो बच्चे फंसे उनको लाने की कवायद बिल्कुल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ही मणिपुर के राज्यपाल से फोन पर चर्चा की थी और इसके साथ ही जो पधाना से विधायक है उन्होंने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था कि मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के जो बच्चे मणिपुर में फंसे उनको लाया जाए। कहीं ना कहीं सरकार ने एक आश्वासन जो बच्चों को दिया है, जो मणिपुर यूनिवर्सिटी है, कम से कम 30 से ज्यादा बच्चे उस मणिपुर यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिराद सिंधिया ने भी बच्चों से फोन पर चर्चा की है और उन्हें सुरक्षित लाने का भरोसा भी जताया है। कुल मिलाकर माना जाए कि इस सभी जो बच्चे जो फंसे हैं उनको एयरलिफ्ट करके वापस जल्द लाया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है बच्चे सुरक्षित नजर आएंगे। जी तो बिल्कुल, मणिपुर में जिस तरह से हिंसा की आग भड़की थी और उसके बाद लगातार तनाव की स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं और ऐसे में अब जो है वो परिजन परेशान है, हलाकान है और छात्रों को जल्द से जल्द जो है वो मणिपुर से निकालने की कोशिशें जारी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।